अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे और मैं बनाऊंगी व्लॉग। मैं एक्चुअली करूंगी सैटरडे और संडे का व्लॉग इकट्ठा बना के, तो मैं मंडे मॉर्निंग को पोस्ट कर दूंगी। थर्सडे फ्राइडे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज जी मेन्यू है पैनकेक्स। मनाल ने कहा कि नाश्ते में पैनकेक खाना है, तो मैं पैनकेक यूज़ करूँगी बनाऊँगी। तो ये मैं पैनकेक का मिक्स यूज़ करती हूँ, और इसको इसके अंदर जो है ये आप पैनकेक भी बना सकते हैं इस मिक्स से, वॉफल्स भी बना सकते हैं। तो ये इजी रहता है। इसमें आपको अंडा और दूध ऐड करना पड़ता है। तो यानी बॉक्स के अंदर जो होता है वो सिर्फ आई थिंक मैदा होगा या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होगा। तो बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है, और पीछे उसके मेजरमेंट दी होती हैं कि आपने किस हिसाब से कितना बनाना है। तो मैं मनाल जो है मैं इसको एक बड़ा बना के दूंगी। नॉर्मली तो मैं छोटे ही बना देती हूँ, मगर वो मैं बड़ा बना के दूंगी पैनकेक, क्योंकि फिर ये खाने में थोड़ा तंग करती है। तो अभी जो है मुझे चाहिए एक कप दूध लूंगी, एक कप इसका वन एंड अ फोर्थ कप जो होगा इसका मिक्स होगा, और फिर इसके साथ मैं ऐड करूँगी दूध। दूध के साथ एक होगा अंडा, और फिर मैं इसको अच्छी तरह इसके बैटर को मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं अगर कुकिंग वीडियो नहीं अपलोड कर पाती तो मैं ज़रूर व्लॉग बना लेती हूँ। तो व्लॉग भी ऐसा है कि मैं पूरे दिन की तो नहीं रूटीन उसमें आती, मगर जितना मैं कवर कर सकती मैं कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दूध, और दूध डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी अंडा, और फिर इसको बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मेक श्योर करना होता है कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे। तो अब ये बनेंगे पैनकेक्स, और मोस्टली ये होता है सैटरडे को भी वो पैनकेक्स कहेगी कि पैनकेक्स करने हैं, संडे को भी नहीं। पर मेरी होती है कोशिश कि मैं इसको वीकेंड्स पर डिफरेंट नाश्ता दूँ। वीकडेज़ में तो जी वो सीरियल या दूध या चाय के साथ रस और या ब्रेड खा लेती हैं, मगर कोशिश होती है कि वीकेंड पे कुछ डिफरेंट हो और अच्छा हेल्दी हो इसका नाश्ता। अगर आपके बच्चे चॉकलेट वाला भी पैनकेक खाना चाहे तो आप इसके अंदर चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, न्यूटेला डाल सकते हैं। मैं कभी कभी न्यूटेला भी डाल लेती हूँ, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। पर मनाल को न्यूटेला अच्छा नहीं लगता। तो आप इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हैं, रिकोटा चीज़ डाल सकते हैं, तो चीज़ वाले भी बन सकते हैं। इसके अंदर आप ब्लूबेरी डाल दें बैटर में, तो जब आप पैनकेक्स को पैन के अंदर डालेंगे तो वो ब्लूबेरी भी बीच में आएगी। बहुत सारी डिफरेंट आप इसके साथ रेसिपीज़ बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। मगर प्लेन अगर जिसने खाना है वो प्लेन खा ले, तो मनाल प्लेन खाती है, तो मैं प्लेन ही बनाऊंगी। साइड पे आप फ्रूट्स को रख लें, जैसे बनाना स्ट्रॉबेरीज होती है, कीवी होते हैं, और ऑरेंजेस तो नहीं मैं रेकमेंड करूँगी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रूट्स को साइड पर। और इसके ऊपर जो मेपल सिरप होता है आप वो डाल के भी खा सकते हैं। अब मैं जो है अपने फ्राइंग पैन को बटर के साथ ग्रीस करके, और उसके बाद फिर मैं इसमें एक एक चम्मच करके तो उसके अंदर पैन के अंदर डालूँगी।
अभी मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हैं, भरे करेले की, चिकन बिरयानी थी, चने भटूरे थे, और चना पुलाव था, भिंडी गोश्त था, तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और ज़रूर देखें अगर आपको पसंद आती हैं। और अगर आप किसी और तरीके से पैनकेक्स या अपनी कोई और भी रेसिपीज़ बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी मैं वैसे बनाने की रेसिपीज़। अब ये मैं, मेरा पैन जो है वो गर्म हो गया, अब मैं ये पैनकेक का मिक्सचर उसमें डाल रही हूँ। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैं बड़े बना लेती हूँ ताकि वो खा ले, अगर मैं छोटे बनाऊँ तो वो एक खा के भी कहेगी कि वो फुल हो गई है, तो मैं उसको बड़ा बना देती हूँ, फिर बड़े के उसके ट्रायंगल पीसेस करके उसको दे देती हूँ। अगर आप जब आप ये पैनकेक्स डालते हैं पैन पे, जब आपकी एक साइड पे बबल बनने लग जाए तो मतलब है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल कुक हो गया है, तो आप उसके बाद इसको पलट दें और फिर वो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो पकने लग जाएगा। तो आप इसको हल्का सा चम्मच के साथ भी प्रेस करेंगे तो वो जो अंदर से मटीरियल होगा वो भी कुक हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो है ऊपर आपने देखे ये बबल्स बनने लग गए हैं, तो इस साइड से ये कुक है, मगर जो आगे की साइड है मैंने स्पून के साथ किया था, मगर ये आगे से कुक नहीं था क्योंकि फिर वो आपके पैन के साथ स्टिक होता है। तो अभी इसे मैं 1 मिनट के लिए, 50 सेकंड्स के लिए रखूँगी दोबारा पैन पे इसी तरह, और फिर मैं इसको पलट दूँगी। अब ये फुली कुक्ड हो गया उस साइड से, और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। आप इसके ऊपर भी जब ये कुक हो जाए तो न्यूटेला लगा के खाएं और बीच में स्ट्रॉबेरीज रखें, बहुत ही मज़े का होता है। और अगर आपने इसकी टॉपिंग करनी है तो आप इसको व्हिप क्रीम से भी टॉपिंग करके खाएं, आपका बहुत ही हेल्दी फिलिंग नाश्ता होगा ये। इसके साथ अब आप कॉफ़ी, चाय, जो आपकी चॉइस है आपको खा सकते हैं। अब ये देखिए ऊपर से बहुत अच्छा कुक हो गया, अब ये नीचे से कुक होगा। जब ऊपर से कुक हो जाए तो नीचे इतना टाइम नहीं लगता नीचे वाले हिस्से में कुक होने के। मैंने इसके लिए स्ट्रॉबेरीज काट ली हैं, और यह है कि शौक़ से स्ट्रॉबेरी खा लेती है साथ। अब ये फुली कुक्ड हो गया, ये जी मनाल का ब्रेकफास्ट तैयार है। अब मैं इसको ट्रायंगल में कट कर दूंगी ताकि मनाल को मैं सर्व कर दूँ, तो उसको बहुत भूख लगी हुई है। वीकेंड्स पे भी वो जल्दी उठ जाती है क्योंकि वीकडेज की उनको आदत होती है, तो वीकेंड्स पे भी वो जी 7-8 बजे कहेंगी कि मॉर्निंग हो गई है जी उठ जाए, तो हम मुझे भी आदत है सुबह उठने की, तो फिर मेरी भी आँख जो है खुल जाती है। अब ये जी इनका नाश्ता रेडी है, ये मैंने अपने लिए बनाया था, और मैं ये वाले सिरप की बात करी थी, और ये मेपल सिरप भी कहते हैं, टेबल सिरप भी, आप इसके ऊपर हनी भी ड्रिजल कर सकते हैं, और आप बटर भी मेल्ट करके लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और मैं ये है कि ये वाला सिरप जो है मेपल सिरप इसके साथ खाऊंगी। इसके साथ आप कैरामल सिरप भी जो होता है वो ड्रिजल कर सकते हैं। ये चाय में बनाने लगी हूँ, तो ये गार्निशन जो है हम लोग ये यूज़ करते हैं चाय के लिए। मैं कैटल में ही चाय बनाती हूँ, कभी कभी चूल्हे पे भी बन जाती है, तो मैं मनाल के लिए और अपने लिए भी यही बनाऊंगी। मनाल में मैं ज़रा दूध ज़्यादा डाल देती हूँ,
और क्योंकि वो भी सुबह चाय पीती है, उससे दूध और नहीं पिया जाता सुबह, तो दूध जो है मैं थ्रू आउट द डे उसको 1 से 2 बार दे देती हूँ। तो मैं ये चेक कर रही हूँ, मैंने मनाल में चीनी डाली थी और अपने में नहीं, क्योंकि मैं विदाउट शुगर चाय पीती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहा कि कौन से कप में चीनी है और किस में नहीं है। तो जिसमें मैं दूध डाल रही हूँ जी, वो मनाल का है, और मेरा जो है ये पिंक वाला है कप। तो हमें इन्हीं चाय की आदत है, और ये जी मेरा नाश्ता है। अब मैं नाश्ता अपना करूँगी, और ये मनाल है, और वो अपना नाश्ता करी, उसने ऑलमोस्ट अपना फिनिश कर लिया, और अब मैं बैठ के अपना सुकून से नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद वही रूटीन होगी, सफ़ाई करूँगी क्योंकि मैं डेली सफ़ाई करती हूँ। सफ़ाई करके पहले नाश्ते के बर्तन धो के सफ़ाई करूँगी, अपना रूम वगैरह सही करूँगी, और उसके बाद कल मैंने आज लंच के लिए चिकन पीसेस पे चिकन तंदूरी का मसाला लगाया था, तो मेरा प्लान तो यही है कि मैं उसके साथ जो है नान और नान को कर लूँगी टोस्ट, या नान के साथ खा लेंगे, या रोटी के साथ, या पराठे के साथ। तो मेरे हाथों पे अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ऑरेंज कलर है। कल मैंने मसाला जो रात को लगाया था वो इतना तेज़ था कि मेरे हाथों से ऑरेंज कलर जा ही नहीं रहा, मैंने इतनी बार उसको धोया। तो अब ये है कि अब बस अब नाश्ता करके तो फिर अपनी रूटीन पे हो जाएगा। मोस्टली तो यही होता है, सैटरडे या संडे बाहर से ही खा लेते हैं। तो अब ये है कि मैंने कल मसाला तो लगा लिया था, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हस्बैंड मेरे कहीं बाहर हैं, तो आएंगे तो भूख लगी होगी, तो लंच तो जो ये है घर पे ही होगा। और आज प्लान है शायद मम्मी वगैरह भी आज चक्कर लगाएं, मैंने लास्ट वीक इनको कहा था आने के लिए, तो शायद वो भी चक्कर लगाएं। अभी नाश्ता करके फ़ोन करके पूछूंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है खाने में उसके साथ। मनाल की चाय है जी, मनाल स्टॉक के साथ पीती हैं, और ये साथ अपना शो देख रही हैं, 10 बज गए हैं, ये नर्डी नमीज़ देखती हैं साथ। इनको खाने के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर देखना होता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि आदत ख़त्म हो, मगर ये आदत ख़त्म नहीं होती जी। अब ये नाश्ते के बर्तन हैं जो धुलेंगे अब। और मैं भूल गई थी रेसिपी को वीडियो करना, कि मैंने चिकन पे क्या मसाला लगाया है। मैंने नेशनल का चिकन तंदूरी मसाला लगाया था, उसके अंदर जो भी जिंजर गार्लिक पेस्ट और लीमू लेमन जूस का करके मिक्सचर बना के, और मैंने मेरी जो है वो होल लेग हैं, तो उनमें मैंने उनको उनके ऊपर से स्किन उतार के उनको अच्छी तरह धो के उसको आधा घंटा मैंने विनेगर में डिप करके, आधे से पौना घंटा, और मैंने उसके पानी को ड्रेन करके अच्छी तरह धो के और कट्स लगा के, तो मैंने फिर उसको ड्राई करके मसाला उसमें लगाया था। तो अब यह है कि वो फ्रिज में है, अभी जब मैं इसको अवन में करने लगूंगी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा मसाला मैंने लगाया है। मैं अवन में बेक करके और इसके बाद इसको हल्का सा शैलो फ्राई करती हूँ, ताकि वो अंदर से जो उसका अगर वो कोई कच्चा रह जाए तो वो नहीं रहता। अवन में मैं ऑयल के साथ नहीं करती, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो मैं अवन में अच्छी तरह 1 से 1.5 घंटा बेक करके, तो फिर मैं जो है उसको पैन में या कढ़ाई में उसको फ्राई कर लेती हूँ। जब फ्राई कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद जब सब फ्राई हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर मैं जो है उसको कोयले का धुआं दे देती हूँ। ये जी मेरा सिंक साफ कर रही हूँ मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखती, क्योंकि किचन में इतनी स्पेस नहीं होती और मुझे अपना किचन साफ़ चाहिए होता है। मैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं सबसे पहले अपना किचन साफ़ करती हूँ, बाद में मैं बाकी सफ़ाई करती हूँ।
अब ये जो है मैंने बर्तनों का रैक अलग साइड पे भी रखा है, जहाँ पे मैं अपने डेली यूज़ के बर्तन रखती हूँ। कम ही रखती हूँ क्योंकि मैं दो प्लेट्स और दो ग्लास दो कप इस तरह करके रखती हूँ, मैं पूरा नहीं भरती। मगर ये है कि जब मेरे ड्राई हो जाते हैं बर्तन यहाँ से तो मैं वहाँ रखती हूँ, तो अपना सिंक को बिल्कुल क्लियर कर लेती हूँ। अब मैं साथ साथ चूल्हे को भी साफ़ कर दूँगी। चूल्हे को साफ़ करके और फिर उसके बाद घर की सफाई करूँगी। सफाई के बाद फिर जी वही दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। और ये चिकन है, अब ये तकरीबन 12:30 हो गए हैं। और ये चिकन है, ये जो मैंने कल रात को मसाला लगा दिया था नेशनल का चिकन तंदूरी का, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। बॉक्स ये वाला यूज़ किया था मैंने, इसमें जी थी ये जो ऊपर सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी सिवाय ऑयल के, तो वो ऑयल में मैंने बाद में फ्राई कर दी थी। खाने में अच्छी बनी थी, मज़े का था ये। इसको मैंने कोयले का धुआं दे दिया था तो अच्छा लगा था। मगर मैंने इसके साथ जी वो बना दिए थे चावल अरबिक स्टाइल में, और साथ में टमाटर की चटनी बनाई थी, और साथ मैंने फतूस सैलड बना ली थी, और नूडल्स बना लिए थे क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो मेरे पास इतना उस टाइम टाइम नहीं था तो मैंने ये कर लिया था। मगर बहुत मज़े का, बहुत मज़े का, सबने बहुत तारीफ़ की खाने की। तो मैं मेक श्योर हमेशा करती हूँ मैं चिकन बनाऊँ या गोश्त का कुछ भी बनाऊँ, मैं इतना भूनती हूँ और इतना कुक करती हूँ कि वो अंदर से हो जाए, क्योंकि मुझसे जो है वो ऐसा चिकन नहीं खाया जाता। अब ये बीच में रात को ये जो पानी इसने छोड़ा मसाले ने, अब मैं कट्स के अंदर दोबारा ये डाल दूँगी। ये इतना तेज़ इसका कलर है कि ये हाथ से, मैंने दोबारा हाथ से लगा रही हूँ मगर ये मेरे हाथ से जा ही नहीं रहा था, तो ये कि कोशिश करूँगी कि हाथ बार बार धोऊँ इसको। और ये हाथों में भी इतनी मिर्चें लग रही थी लगाने के बाद अक्सर वो जब अचार गोश का मसाला लगाएं तो उससे भी लगती हैं, मगर इससे भी लग रही थी। मैंने चिकन टिक्का का भी मसाला लगाया था, मैंने परसों ड्रम स्टिक्स पर लगाया था, वो मैंने रख दी थी फ्रीज़र में लगा के, कि कभी मनाल का होता है या कभी कोई आ जाए तो कभी आप बना सकते हैं फौरन। मगर मुझे चिकन टिक्के का मसाले का इतना टेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसका कलर भी इतना नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि आप जितना पका लें वो मसाला जो है बहुत कम था उसके अंदर, तो वो बच्चों के खाने के लिए ठीक है क्योंकि ये बहुत स्पाइसी था, तो ये बच्चे, मुझे नहीं लगता कि बच्चे इसको खाएंगे ज़्यादा। मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि कट्स के अंदर मैं दोबारा जो मसाला उस पैन के अंदर था मैं दोबारा इसके अंदर डाल दूँ और इसके अंदर सारा मल दूँ ताकि ये मिक्स हो जाए और अंदर उसके अंदर मसाला चला जाए। अब ये मैंने रात को किया था तो तकरीबन ये 10-11 घंटे तो हो गए हैं इसको मसाले को चिकन पे लगे हुए। आई होप कि अंदर मसाला गया होगा। अब मैंने अवन को अपना प्रीहीट कर लिया था 30 मिनट्स के लिए 350 पे, और अब मैं इसको अवन में मिडल रैक में इसको रख दूँगी मैं। अक्सर तो मैं क्या करती हूँ कि इसको स्टीम करके पैन में और फिर इसको फ्राई कर लेती हूँ, मगर मैं अभी अवन में करूँगी और फिर अवन में जब ये हो जाएंगे 1-1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसको डीप फ्रायर में या फ्राइंग पैन में आप या कढ़ाई के अंदर आप इसको कर सकते हैं फ्राई। ये मैंने अवन में रखती हैं मिडल रैक में, अवन को मैंने 350 पे रखा है जैसे मैंने आपको बताया। और ये है जी स्पगेरी, ये मैं ये वाली ब्रांड का यूज़ करती हूँ, और मैंने पानी अपना बॉईल करके और इसमें नमक डाल के थोड़ा सा ऑयल, और मैंने स्पगेरी को आधे में करके क्योंकि बहुत लंबी होती हैं तो मैंने उसको आधा तोड़ के टू पार्ट्स में डिवाइड करके तो उसको पानी में डाल दिया। और मेरा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट डन है।
ये वाले ड्रमस्टिक से जिनमें मैंने चिकन टिक्का का मसाला लगाया था, तो ये मनाल के लिए, बाकी बच्चों के लिए रखूँगी। और बाकी मैं नहीं वीडियो कर सकी, और आज है संडे का दिन, क्योंकि कल बहुत बिजी रहे, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो ये संडे का दिन है और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और ये ऑमलेट बना रही हूँ। ये मैंने हस्बैंड के लिए रखी है, वो अभी सो रहे हैं, तो मैंने अपने लिए और मनाल के लिए नाश्ता बनाया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15, और जैसे कि मैंने बताया कि वीकेंड पे भी मनाल जल्दी उठ जाती है, क्योंकि भूख शायद लग जाती है। और ये अपना बेगल बटर का नाश्ता करी है, और ये जी मेरा नाश्ता है। और आज पता नहीं क्या होगा दिन में, क्योंकि आज कोई प्लान नहीं है। और जी ये PSL का मैच चल रहा है। चलें, यहाँ तक ही था आज का मेरा व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे अपना ख्याल रखिएगा।